नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं उस मेले में उपस्थित हूँ जो की मेला आप देख रहे हैं अजीत एडिटोरियम में लगा हुआ है। ये बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला लगाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई एक तरह के कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं और सारे स्टूडेंट जो है पढ़े लिखे वो अपना यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। उम्मीद लगाकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम बेरोजगार हैं तो रोजगार मिल जाए। लेकिन आगे देखिए क्या बात है ना। सही बात है। उम्मीद लगा के हैं जी। कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो पोस्ट ग्रेजुएट। बिहार के रहने वाले हैं जी। बिहार जो बेरोजगारी में जूझ रहा है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। सबको रोजगार मिलना चाहिए क्योंकि जीने का हक सबको है, सबको चैन से जीना है। और अगर रोजगार सब लोगों को मिल गया तो ऑटोमेटिक बिहार से क्राइम खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्राइम के सबसे बड़ा जड़ बेरोजगारी है और रोजगार नहीं है। अगर बेरोजगार जो भी व्यक्ति है वो क्राइम करते हैं, अगर बेरोजगारी खत्म करना है तो रोजगार देना पड़ेगा सरकार को। अगर रोजगार आप नहीं दे रहे, वैकेंसी में पूरा नहीं हो पा रहा है रोजगार, तो कम से कम जितने भी बिहार में कंपनियां बंद पड़ी है उसको कृपया चालू कराने का प्रयास करें आप, ताकि बेरोजगारों को रोजगार अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि बेरोजगारी में जूझ रही है बिहार इसलिए कि यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियां है जो कि बंद पड़ी है। क्या बात है ना? सही है भाई। अगर कंपनी चालू हो जाए बिहार के तो रोजगार मिल जाएगी कि नहीं लोगों को? मिल जाएंगे। कुछ लोग अनुभवी लोग हैं कि जो परीक्षा में कुछ सफल हासिल किएंगे तो उनको बेरोजगार मिलेगा, और एक बेरोजगार की तोड़ने का थोड़ा सा एक उपाय किया गया। तो इन लोगों को रोजगार देना है तो मेला लगा है, अच्छी बात है। यहाँ भी कुछ लोगों को रोजगार मिले, कुछ लोग बच जाए, उनके लिए बिहार में जो बंद पड़ी है कंपनियां उसको चालू कराया जाए, उसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिले, ताकि बाहरी कंपनियां भी आकर के बिहार में लगे और बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बात सही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं बेरोजगारी को लेकर के? तो सरकार को रोजगार देना चाहिए। सरकार को रोजगार जी। अभी तो आप देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में, उम्मीद है कि आगे रोजगार मिल सकता है? आगे तो जैसे ही सरकार बोल रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए और मिलना चाहिए इसमें। चलिए, दो तरह के सरकार मिल करके एक राज्य को चला रहे हैं और उम्मीद यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको उम्मीद लगी है कि रोजगार अब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन की अभी सरकार चल रही है। विशेष में जानकारी आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कुछ देखिए, लाइन में कितने लोग लगे हैं। इतना बेरोजगारी बढ़ चुकी है बिहार में, लाइन में बहुत लोग लगे हुए हैं। गर्मी काफी है, पसीना मुझे भी हो रहा है, फिर भी मैं इस बिहार की समस्याओं को दिखलाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि बिहार मेरा सबसे आगे हो और भारत में एक स्थान प्राप्त करे, जहाँ पहला सही बात है। लेकिन रोजगार के लिए अगर कंपनियां चालू करा दिया जा रहा है बिहार के, तो बिहार के कुछ लोग कंपनियां में काम करेंगे, कुछ लोग कंपनी के बाहर भी काम करेंगे, सब लोग शिक्षित हो जाएंगे। बात सही है ना? जी सर, बिल्कुल शिक्षित है। इसके लिए तो सबसे पहले बिहार सरकार को चाहिए कि बिहार में ही कोई फैक्ट्री लगाया जाए, ना कि बिहार के युवा कहीं भी दूसरी जगह ना जाए। बिहार में बहुत पहले से फैक्ट्री, एक से बढ़कर एक फैक्ट्री लगी हुई है और वो काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है। इसी के लिए मतलब सरकार को ये भी चाहिए कि इसके लिए सरकार उसको जल्द से जल्द चालू करे और कोई अन्य भी नए कंपनियां खोले जिससे युवाओं को दिक्कत ना हो। ये जितने भी बच्चे हैं ये भारत के भविष्य हैं और आज ये पढ़ लिख करके भटक रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं ये लोग। बात सही है ना? जी बिल्कुल सही बात है। ये तो इन लोगों को रोजगार देना है तो मेला लगा है, अच्छी बात है। यहाँ भी कुछ लोगों को रोजगार मिले, कुछ लोग बच जाए, उनके लिए बिहार में जो बंद पड़ी है कंपनियां उसको चालू कराया जाए, उसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिले, ताकि बाहरी कंपनियां भी आकर के बिहार में लगे और बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बात सही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं बेरोजगारी को लेकर के? तो सरकार को रोजगार देना चाहिए। सरकार को रोजगार जी। अभी तो आप देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में, उम्मीद है कि आगे रोजगार मिल सकता है? आगे तो जैसे ही सरकार बोल रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए और मिलना चाहिए इसमें।
चलिए दो तरह के सरकार मिल करके एक राज्य को चला रहे हैं और उम्मीद यहाँ के जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनको उम्मीद लगी है कि रोजगार अब मिलेगी क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन की अभी सरकार चल रही है। इस मेले में आई है? हाँ। क्या नाम है? निशी कुमारी। कहाँ से आई है? विक्रमगढ़। कितना पढ़ी है? इंटर फाइनल। किस लिए यहाँ पर आई है आप? यहाँ कुछ करना चाहते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं। रोजगार, ये आपको मालूम कि जीविका के माध्यम से यहाँ पर एक मेला लगाया गया? हाँ। यहाँ रोजगार दिया जा रहा है? हाँ। डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है परंतु फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, जो उसके लायक है उसको शायद दिया जा रहा है, मालूम है ना? हाँ हाँ। आप किस पद के लिए अप्लाई किए हैं? हम सिलाई सीखने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए और आगे पढ़ाई करने के लिए। यानी आत्मनिर्भर भारत के एक महिला आप हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? हाँ। किस कंपनी में आपने अभी अप्लाई किया? अभी हम आगे BSc कोर्स कर रहे हैं और इसके आगे MBA या फिर BSc कुछ भी पढ़ना है तो वो सब पढ़ना चाहते हैं। यानी पढ़ते हुए आगे बढ़ना है? हाँ। और भारत के नाम को आगे बढ़ाना है? हाँ। और कंप्यूटर सिलाई स्पोकन भी सब मैं भी किए। कम्प्लीट हो चुका है? नहीं, हम भरे हैं अभी फॉर्म। चलिए, ये देखिए, बेरोजगारी के दुनिया में रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं। जहाँ भी पता चलता है कि एक मेला लगा हुआ है, एक वैकेंसी निकला हुआ है, उम्मीद लगा के लोग फॉर्म को स्टूडेंट भरते हैं क्योंकि ये सब भारत के भविष्य हैं और यही भारत को संवारेंगे जब आगे बढ़ जाएंगे। और सरकार की एक नज़र होनी चाहिए क्योंकि माँ बाप जो है, ऐसे ऐसे बाप जो होते हैं, पिताजी जो होते हैं, अपने बच्चों को उम्मीद लगा के पढ़ाते हैं और जब बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं उस वक्त उम्मीद टूट जाती है क्योंकि बहुत पैसा खर्च करते हैं पढ़ाने में। बात सही है ना? बात सही है। बहुत जगह ठोकर खाते होंगे। क्या करते हैं आप? मैं अपना स्वरोजगार करता हूँ, अपना निजी रोजगार है। चलिए, अपना रोजगार करते हैं, उम्मीद लगा के पैसा कमाते हैं और वो पैसा इन लोगों में खर्च करते हैं ताकि ये रोजगार कर रहे थे ये बेरोजगार न रहे और ये भी आगे बढ़ते थे। बात सही है ना? हाँ। बाबूजी के नाम से भी ऊपर नाम जाए। हाँ। लेकिन जब सरकार की ध्यान इन बच्चों पर नहीं पड़ती है तो ये बच्चे की कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है, इनका दिल टूट जाता है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़े लिखे बच्चों पर कम से कम ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है बच्चों को पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में। और इस वक्त मैं उस मंच पर उपस्थित हूँ जहाँ के आप पीछे में पोस्टर देख रहे हैं, लिखा हुआ है रोजगार पर मार्गदर्शन मेला। यानी यहाँ पर मार्गदर्शन की उम्मीद लेकर के बच्चे आए हुए ताकि मैं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करूँगा और उसको लेकर के मुझे कुछ ना कुछ रोजगार मिलेंगे। सर, सबसे पहले आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित प्रताप सिंह है, वीडियो विक्रमगंज। और ये रोजगार मेला जो जीविका के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, इसमें काफ़ी कंपनियाँ आई हैं और जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा उनकी योग्यता के आधार पर और इससे कुछ जो बेरोजगारी हमारे समाज में है उससे कम होगी। और ये एक बहुत अच्छी पहल है जीविका के द्वारा। और जीविका पहले से भी जो है लगातार 2006 से आपका जो महिला सशक्तिकरण या जो गरीबी रेखा जो गाँव लेवल पर मिटाने की कोशिश करते आ रहे हैं तो ये इनका ये बहुत अच्छा पहल है। इससे काफ़ी लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और कुछ विक्रमगंज की जनता का कल्याण होगा। बिल्कुल, सर ने जानकारी दिया, मैं भी यहाँ पर उपस्थित है, इनसे भी थोड़ा सा मैं कुछ जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रागिनी कुमारी है, मैं DPM जीविका रोहतास। अच्छा। बताइए मैम, यहाँ पर आप देख रही होंगी अपने नजरों से नीचे में काफी भीड़ है, बेरोजगारों की संख्या बहुत काफी बिहार में पड़ी हुई है। अभी यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आई हुई है और बच्चे यहाँ पर उम्मीद लगा के, जो भारत के हमारे भविष्य हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उम्मीद लगा करके यहाँ पर आए हुए हैं और अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ पे आज जीविका की ओर से रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है जिसमें 16 कंपनियाँ आई हुई है, मैट्रिक्स, HCL, SIS, इस तरह से विभिन्न कंपनियाँ आई हैं। और विक्रमगंज में जिसमें जीविका की स्वयं सहायता की दीदियों के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है कि अपनी पसंद से, अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे आए, खुद से जाने समझे और अपने जानकारी के आधार और अपने कि हमारी अपनी पसंद को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपने रोजगार का सिलेक्शन करें। और उसके बाद जब सिलेक्शन, हम लोग का आज 1000 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आज हमने 2 लोगों को ऑफर लेटर भी दिया है, उसके आधार पर उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे आज आए हुए हैं। ऑफर लेटर कहाँ कहाँ के व्यक्तियों को आपने दिया?
ये किसका दिया लड़ ये एक बच्चे रुस्तम है उनको दिया गया है, और उसके अलावा एक हमारा इरशाद है उनको दिया गया है। किस डिपार्ट और किस पद के लिए ऑफर लेटर आप दिए हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव का है। सेल्स एग्जीक्यूटिव के दो बच्चों को यहाँ सिलेक्शन हुआ है उनके एक्सपीरियंस के आधार पे, और ये शिव शक्ति यहाँ कंपनी आई है उन्होंने सिलेक्ट किया है, और इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके बाद उनको निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके बाद उनको नौकरी। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा उनको? रेजिडेंशियल 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और वहाँ पे रहने खाने के सुविधा है, निशुल्क सुविधा है। वो यहाँ पे कंपनियाँ यहाँ पे सासाराम या पटना में भी इसका व्यवस्था है, वो अपने सिर्फ कपड़ों के साथ वहाँ जाते हैं और 3 महीने रहने के बाद उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण जो आप लोग चला रहे हैं दे रहे हैं ये मतलब फ्री में दिया जाता है कि इसका कॉस्ट? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, और वहाँ अच्छा बहुत अच्छा खाना पीना भी और रहने का व्यवस्था है, उनको सॉफ्ट स्किल भी वहाँ पे सिखाया जाता है। एक बात मुझे और भी बता दीजिए आप, ये जो रोजगार मेला लगाया जा रहा है यहाँ पर तो केवल सब पढ़े लिखे लड़के आते होंगे? बिल्कुल, ये पढ़े लिखे कुछ बच्चे वैसे भी हैं जो कि अपने आर्थिक स्थिति के कारण पहले नहीं पढ़े, उनके लिए भी क्या सरकार कोई मुहिम चला रही है क्या? यहाँ पे हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें स्कूल की बात नहीं, जो पहले नहीं पढ़े 18 वर्ष उम्र ऊपर हो चुकी है कोई कारण बस नहीं पढ़े, उनके लिए सरकार कोई मुहिम लाई है क्या? क्योंकि ये हम लोग को यहाँ पे सरकार के द्वारा इग्नू का संस्थान है, वहाँ पे ज़्यादा उम्र उनकी जब इच्छा हुई कि हमको पढ़ना है तो इग्नू को सारे लोग जानते हैं जो न्यू दिल्ली से है, और सभी जगह स्टडी सेंटर भी सभी राज्यों राज्य में भी है, हमारे सासाराम में भी है, तो वो है वो घर पे रह के भी अच्छे से करस्पोंडेंस तरीके से पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अपना नौकरी नहीं पा सकता? बिल्कुल पा सकता है, क्योंकि इग्नू का मान्यता हमारा भारत सरकार के द्वारा है, और वो अगर इग्नू में अच्छा परीक्षा से पास कर जाता है उसकी क्वालिफिकेशन का हर जगह हर क्षेत्र में हर नौकरी में उनको मान्यता है। मैं पढ़ाई करने के लिए उम्र की क्या मतलब है? उम्र की है 18 के बाद वो पढ़ सकते हैं। और इस वक्त मैं इस मंच पे उपस्थित हूँ जहाँ के जीविका के दीदिया कुछ उपस्थित है, आप लोग जीविका से हैं, मुस्कुराती हुई चेहरा जो कि बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के चक्कर में लगी हुई है और बदलने का प्रयास के साथ बदल भी रही है कहीं कहीं पर, क्योंकि हर जगह से रिजल्ट जीविका दीदिया का अच्छा आ रहा है। यहाँ पर हमारी मैडम भी आई हुई है जो कि सासाराम से हैं, सही है, क्या नाम है? रागिनी। किस पद पे हैं? DPM। ये सारे लोग आपके अंडर में हैं? जी, ये लोग CLF के लीडर्स हैं जीविका की। कैसी काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, रिजल्ट तो अच्छा जाता होगा? हाँ, उपलब्धि अच्छी है। अब लग रहा है कि बिहार बदल जाएगा? बिल्कुल बदल रहा है और बदल जाएगा। बदल रहा है और बदल जाएगा? नहीं, बदल गया है। बदल गया है, अभी कहीं कहीं है तभी लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए है। नहीं, रोजगार मेला में हम लोग बढ़ते कदम की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उपलब्धि एक बार जादू का छड़ी नहीं है, ये लगातार निरंतर प्रक्रिया है और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। लेकिन एक मामूली छड़ी के जादू को छड़ी बनाने के प्रयास में लगी हुई है? बिल्कुल, ये ग्रामीण क्षेत्रों की उपलब्धि है कि दीदियां आत्मविश्वास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के अभी अपने बैंकों में जा रही है और BDO ऑफिस भी जा रही है अपने हक अधिकार के लिए, और विभिन्न योजनाओं से संबंध स्थापित कर रही है। चलिए, मैडम ने बोली और सही में बिहार बदल गई, ये मुस्कुराती हुई चेहरा, क्योंकि ये चेहरा जो है तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जीविका में इसलिए महिलाओं को रखा जाता है कि महिलाएं जो होती है हर किसी के दर्द को समझती है, बात सही है ना? सही है। टीवी में भी हाँ। एक बात और पूछूंगा सर, यहाँ पे बहुत सारे मेला लगे बिहार में, आप डेहरी में भी आप अगर इधर कहोगे तो देखे होंगे, लेकिन सब फेल हो चुके हैं, क्या इस पे उम्मीद लगाया जाए क्या? हाँ, इसमें तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अपनी योग्यता के, मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी लोगों को जॉब मिलेगा यहाँ। चलिए सर, हमारे विक्रमगंज में अभी नए पोस्टिंग पे हैं, इनका हार्दिक स्वागत है विक्रमगंज के धरती पर, और आर भारत TV चैनल के तरफ से भी आपको मतलब हार्दिक स्वागत किया जा रहा है सर। और सर, जहाँ तक बोलते होंगे शायद सही बोल रहे हैं,
और आगे अब देखिए होता है क्या, यहाँ के कुछ लोगों को मैं दिखलाऊंगा कि पीछे में देखिए भेड़िया दफान भीड़ लगा हुआ है। भीड़ लगने के कारण क्या है कि करीब करीब 20 वर्ष से ऊपर तक यहाँ पर जो रोजगार है बिहार में ठप हो चुकी थी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में पड़ी हुई है जिसमें सरकार की नज़र ना हो। अगर उस कंपनियां को चालू करा दिया जाए तो 10,000 लोग अगर अंदर खटेंगे तो 20,000 लोग बाहर में काम करके अपने बच्चे को पाल सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह पड़ेगा। किस पद पे हैं? मैं मोबिलाइजर हूँ। किस कंपनी से हैं? मेरा कंपनी नाम है सेंट्रिक है, सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर अभी बेरोजगार बच्चे आए थे आपके बीच? यस सर। कितने बच्चे आए? मेरे काउंटर पर 230 के लगभग है। कितने बच्चों का फॉर्म गिरा आपके पास? लगभग 230 का। क्वालिफिकेशन कितने क्वालिफिकेशन तो कितना मिनिमम है? मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास है उसका। कौन कौन से पद के लिए बहाली रहे हैं आप? इसमें सर ट्रेनिंग लेना है, बच्चों को प्रशिक्षण देना है। अच्छा, 3 महीने प्रशिक्षण है, 4 महीने प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण पटना होगा, वहाँ पे रहना, खाना, पढ़ना, किताब, कंप्यूटर सब फ्री मिलता है। जब लड़की ट्रेनिंग कर लेगा तो उनको बिहार से बाहर प्लेसमेंट होगा, जैसे नोएडा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, चेन्नई हो, इसलिए हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं। चयन के बाद जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद कितने दिन बाद ऑफर लेटर आप लोग देते हैं? तुरंत से 2 दिन के अंदर ट्रेनिंग जैसे हुआ कम्प्लीट, उसके 2 दिन बाद ऑफर लेटर मिल जाता है उनको सेंटर पर ही। कहाँ से हैं आप? मैं पटना से हूँ, सेंट्रल डिपार्टमेंट से। चलिए आप। धन्यवाद। मेरा नाम अभिनय श्रीवास्तव हुआ, हम जीविका काराकाट में मैजिस्ट्रेट सोटी के पद पर काम करते हैं। अभी विक्रमगंज अजीत एडिटोरियम में एक जीविका के माध्यम से एक जॉब कार्यक्रम चल रहा है, मुझे पता चला है, और यहाँ पे कई कंपनियाँ आई हुई जो कि अपना अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, और रोजगार के लिए बेरोजगार भी यहाँ पर बहुत आ चुके हैं। तो किस तरह से रोजगार बेरोजगारों को दिया जाएगा और ये किसके माध्यम से रोज चलाया जा रहा है? जीविका जो है शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है और इसका मुख्य उद्देश्य है बेरोजगार लोगों को रोजगार देना। जीविका का मेन उद्देश्य है रोजगार देना, और इस रोजगार मेले का मेन मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे लड़के या लड़कियों हैं जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन मतलब कहीं रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वो जीविका का एक छोटा सा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने लड़के लड़कियों हों, ये सिर्फ विक्रमगंज प्रखंड की नहीं पूरे रोहतास या रोहतास से बाहर प्रखंड के भी लड़के और लड़कियों को यहाँ पर बुलाकर, और यहाँ पे अलग अलग 17 कंपनियाँ आई हुई हैं और अपने योग्यता के अनुसार सभी कंपनियों में अपना आवेदन देंगे, और उसके बाद से अगर वो उनके इंटरव्यू में पास हो जा रहे हैं तो वो कंपनियाँ उनको ऑफर लेटर देंगी। ये जो कंपनियां यहाँ पे आई हुई है वहाँ पर क्या जो भी बेरोजगार लड़के वो जा सकते हैं, फिर जीविका के कोई मतलब सदस्य या स्टाफ जाएंगे? जिनको इच्छा होगा तो वो बिल्कुल जाएगा, लेकिन मुख्यतः रूप से ये बेरोजगार युवाओं के लिए ही है। यहाँ पे युवा अब तक लगभग 2000 के आसपास युवा अपना निबंधन करा चुके हैं। निबंधन के पश्चात बारी बारी से अपने स्टॉल पर सभी कंपनियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जानकारी लेने के बाद अगर उनके अनुसार वो कंपनी सही लग रहा है तो वहाँ पर अपना आवेदन भी दे रहे हैं और वहाँ से कंपनी का डिटेल ले रहे हैं, बाद में कंपनी उनको संपर्क करेगा। ये सभी के लिए है, जो चाहे इसमें अप्लाई कर सकता है। ये कंपनियाँ जो है यहाँ पर जो अपना मतलब स्टॉल लगाई है और बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ये कंपनियाँ कितने दिन के लिए उनको रोजगार देगी? इसमें दिन लिमिट नहीं है, वो उनके ऑफर लेटर उनके क्राइटेरिया उस पर लिखा हुआ है। ऐसा लिमिट नहीं है कि ये 2 महीना या 10 महीना के लिए ही है, अगर वो ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल कंपनी में बने रहेंगे। क्या ये रोजगार में पेंशन और कुछ रिटायरमेंट है क्या? वो कंपनी के क्राइटेरिया पे ऑफर लेटर पे लिखा हुआ है। हाँ चलिए, 4 प्रकार का क्राइटेरिया है जिसमें कि पूरा योग्यता, वजन, हाइट, उम्र, चारों चीज देखते हुए भर्ती लिया जा रहा है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, फिर डायरेक्ट आप बहाली ले रहे हैं? जवानों को चयन किया जा रहा है कैटेगरिया के अनुसार। जी, उम्र क्या है जवानों का? 21 से 36। 21 से 36 जी। और ये कहाँ के लिए आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? ऑल इंडिया जी। अभी मान लीजिए कि जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं यहाँ पर उसका चयन होगा जी, तो कहने के मतलब है कि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ आपके पास यहाँ? सभी चयन है, सभी जवानों को चयनित कर दिया गया। कितना फॉर्म गिरा है आपके पास? 30 गिरा है जी। और 30 को चयन कर लिया आप जी? अच्छा, ये निःशुल्क हो रहा है या शुल्क ले रहे हैं आप?
यहाँ पे चयन किया जा रहा है, जो कि बहियारा ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करेंगे, जो कि रिपोर्टिंग डेट है उस अनुसार रिपोर्टिंग डेट पे वो आएंगे, जो कि उनका ट्रेनिंग फीस है या सिक्योरिटी मनी है वो जमा करने के बाद उनका अगले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। सिक्योरिटी मनी गुप्त रखा जाता है या फिर बताया जा सकता है? जैसे कि जवान का है 10,850, जिसमें कि 350 का उसके नाम से रसीद कट जाता है, 10,500 रुपये में रहना खाना पीना और एक महीने का ट्रेनिंग जो होता है उसके दौरान ड्यूटी ड्रेस पीटी ड्रेस बूट दो दो पेयर मिलता है, उसके लिए सिक्योरिटी मनी जमा किया जाता है। ड्यूटी तो ऑल इंडिया में कहीं भी आप दे सकते हैं जी। आप किस पद पे हैं? इंक्वायरी भर्ती अधिकारी। चलिए, आपने जन